एक्सप्रेस न्यूज। मामला टांडा थाना क्षेत्र के हजरत नगर गाँव का है, जहां बीती शाम किशोरी अपने घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अधेड़ पड़ोसी सूरजपाल उसके घर में घुस गया और सो रही किशोरी को उठाकर उसके साथ जबरन बलात्कार करने लगा और वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी का पीछा कर उसे दबोच लिया। इस संबंध में आरोपी अधेड़ की बहू ने ससुर द्वारा कुकृत्य पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। हमें कोई पता नहीं, वो इधर था करने वाला। वो कौन लगते हैं? आपको बस सुसल लगे। अच्छा, जो आरोपी हैं? हाँ। अच्छा, क्या मेरा, मेरा आदमी जा रहा था पार्टी लेकर, उसका कोई मतलब नहीं है उसमें। अच्छा, आपके पति को भी पुलिस ने पकड़ लिया? उन्हें पकड़ लिया, बताया रास्ते में से उन्होंने फोन करा था जब बंदे थाने में, वो मुझे भी ऐसा ऐसा कर लिया, उनके तुम्हारा क्या मैटर, तुम्हें क्यों बंद कर रखा। अच्छा, उसे सजा करो, बिल्कुल छुटा मत दो, वरना मेरा आदमी को तुम छुटा दो। अच्छा, ये बताओ, जिस तरीके से ये शर्मनाक घटना आपके ससुर ने की है, तो क्या क्या मानती हो आप इसे? क्या मानेंगे हम ऐसे को? आरोपी पर आईपीसी की धारा 452, 376, 506 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मामला यह है कि गांव का मतलब करीब 55 साल का व्यक्ति, नाम सूरजपाल है, वो जो है आया और उसने दुष्कर्म किया। आया तब जबकि घर पे कोई नहीं था, क्योंकि गांव की एक लड़की जिसकी ससुराल दलेल नगर की थी, चौकी क्षेत्र सैद नगर से, तो सारे गांव के लोग, हम और सब बाकी लोग जितने भी थे, सारे वहां गए हुए थे। घर पे बस थोड़े बच्चे, लेडीज बच्चे थे घर पे, तो लड़की नाबालिग भी है, लगभग उसकी 12-13 साल की उम्र है। वो अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये सूचना आपको कब मिली? ये सूचना ऐसा हुआ, जब हम दलेल नगर से वापस आए, सीधे फिर सैद नगर चौकी आ गए। चौकी आने के बाद हम जो है बैठे थे कोतवाल साहब के पास, तभी बातचीत चल रही थी हमारी, इसी बीच में जो है यहाँ से गांव से फ़ोन चला गया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया है। तब हम लोगों ने फिर, मैंने फिर उनको कोतवाल साहब की जो इस बात की सूचना दी, उन्होंने जो इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए, जो अनिल कुमार दरोगा जी हैं थाना टांडा में, उनको उन्होंने उस वारदात की घटना बताई और आरोपी को जो है पकड़ने के लिए कहा एकदम तुरंत। फिर उन्होंने तुरंत आरोपी को टांडे में घेर लिया और पकड़ लिया उसको। आरोपी पकड़ा जा चुका है? जी, आरोपी पकड़ा जा चुका है इस समय थाना में। अच्छा, और उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज भी हो गई है। बच्ची पढ़ती है? बच्ची पढ़ती नहीं, मंदबुद्धि है, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती। वो लड़की बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ भी, उसने उस चीज़ का मौके का फायदा उठाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। और मैं सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई देते हुए फांसी की सजा होनी चाहिए। जब तक सरकार उन पर कठोर कदम नहीं उठाएगी, जब तक ये काम रुकने वाला नहीं। अपर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने बताया कि टांडा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्यवाही भी की जा रही है। आइए, टांडा थाने में हजरत नगर गांव है, जिसमें कल 14 वर्षीय बच्ची के साथ एक रेप करने की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अन्य विभिन्न धाराओं में, तथा गांव का ही जो एक्यूज्ड था वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।